बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैकेनिक्स, उसका जो यूनिट 4 है, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे कि सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका हम दूसरा लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में यह डिस्कस कर चुके हैं कि सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कैसे कोई भी अगर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो वह हाइपरबोला हो सकता है, वह पैराबोला हो सकता है, वह एलिप्स हो सकता है। इन सभी चीजों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं और इनके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि अगर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम बात करने वाले हैं। ठीक है, वैसे एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके लिए कोई वर्किंग प्रोसीजर नहीं है। इसके लिए हम यह कहना चाहेंगे कि आप लोग जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग सब कुछ पढ़े होते हैं कि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, होमोजीनियस है तो कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इन सभी मेथड्स को जो हम पढ़े होते हैं उन्हीं मेथड में से कोई एक मेथड इस पर भी अप्लाई हो सकता है। और साथ ही साथ जो हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को पढ़ लिया है उनमें से भी किसी एक मेथड को अप्लाई किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि हम कैसे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे और ये सब कुछ आपके प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और ये क्वेश्चन, ये लेक्चर आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्मेट में प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं। देखो यहां पर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखकर लेकर आया है और यहां पर हमारे पास पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सॉल्व एक्स इंटू आर प्लस पी इज इक्वल टू 9x² y³ हमारे पास दिया गया है। ठीक है, चलो अब इसके हम वर्किंग प्रोसीजर पर बात करते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। एक बात का और ख्याल रखिएगा, ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, और यह भी मैं बताना चाहता हूं कि अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर देंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट, और उससे जब हम कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कॉफिशियंट के लिए भी बात करेंगे। ठीक है, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में हो उन सभी टॉपिक्स को मैं कंप्लीट करता चलूंगा। आइए चलिए अब इसके हम सोल्यूशन पर बात करते हैं कि कैसे इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन हो सकता है अलग अलग मेथड से सॉल्व हो, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हुए हैं। हमारे पास क्या दिया गया है, गिवन दैट हमारे पास दिया गया है कि एक्स इंटू आर प्लस पी इज इक्वल टू हमारे पास है 9x² y³ है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल का केस नहीं बन सकता, और अगर हम आर पर बात कर रहे हैं तो R का मैंने नोटेशन आप सभी को बताया था कि हमारे पास जो R होता है वह होता है डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहां पर चूंकि P लिखा गया है तो अब ये प्रैक्टिस पर आपके डिपेंड करेगा कि अगर यहां पर P लिखा गया है तो इसे डेल P अपॉन में डेल एक्स का केस बना लीजिए। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया था कि जो हमारे पास R होता है उसे हम डेल P अपॉन में डेल एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड प्लस पी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 9x² y³ हो जाएगा। अब इसको और भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा डेल पी अपॉन में डेल एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू पी इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन रहा है, 9x² क्योंकि एक्स से यहाँ पर भी डिवीजन होगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, 9x y³ हमारे पास मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिल रहा है ये हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वो बात अलग है कि यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बल्कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसे हम ऑर्डिनरी की तरह ही अब हम ट्रीट करेंगे और इसे हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास कौन सा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलिए अब इसके बेस पर इसे हम सॉल्व करेंगे। मैंने बोला ना कि आपको किसी भी मेथड को अप्लाई करना पड़ सकता है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि दिस इज लीनियर। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहा जा सकता है। तो जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया इसका मतलब यहां पर जो हमारे पास 1 अपॉन एक्स जो होता है वह कैपिटल पी होता है और जो हमारे पास क्यू होता है वो राइट हैंड साइड का वैल्यू होता है यानी कि 9x y³ होगा। ठीक है, अब देखो अगले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। अब यहां पर हमें क्या करना है, जो हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुका है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करना पड़ता है जो कि सेकंड सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होते हैं। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। ठीक है, यही तो होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी का वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन एक्स डी एक्स
और यहाँ पर इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ई रेस्ट टू द पावर लॉग एक्स, और ई रेस्ट टू द पावर लॉग एक्स का वैल्यू हमारे पास होता है एक्स, यानी कि हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखना कि जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो वो समझ जाना कि वहां से हमें जब सॉल्व करना रहेगा तो जेड का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस बात का खास ध्यान में रखना है। फिलहाल हम इसे जेड के फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इसे पी के फॉर्म में सॉल्व करना प्रोसेस किया है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, देन द जनरल सोल्यूशन। ठीक है, देन द जनरल सोल्यूशन इज, हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, देन द जनरल सोल्यूशन इज हमारे पास हो जाएगा, पहले हमारे पास होता है पी, तो यहाँ पर हो जाएगा पी, चूंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है वह पी के फॉर्म में है। ठीक है, वाई के फॉर्म में होता था जो हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होते थे, यहाँ पर पी के फॉर्म में है तो इसलिए हम पी के रेफरेंस में सॉल्व कर रहे हैं। पी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास एक्स है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू, तो हमारे पास क्यू का वैल्यू है 9xy³, एंड हमारे पास इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका हमें क्या करना रहता है, डी एक्स के रेफरेंस में हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है, प्लस हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर हम चूंकि कांस्टेंट के तौर पर हम सपोज करेंगे एक फंक्शन, क्योंकि यह हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, आइए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, अभी इसे हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 9, और एक्स स्क्वायर को हमें केवल इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, एंड वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है, ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मैंने क्या किया, बस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया तो इतना मिल गया। अब यहाँ से 3 से 9 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा 3, तो यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल रहा है, 3x³y³ एंड प्लस एफ ऑफ वाई हमारे पास मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक्स से भी यहाँ पर देखो, चूंकि हम चाहते हैं जेड का वैल्यू निकालना, ठीक है, तो जेड हमें कब मिल सकता है, जब हम पी को एक्सपेंड करेंगे, तो पी को एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स से हम डिवीजन कर देते हैं ताकि हमारा काम और आसान हो जाए। तो अगर एक्स से हम डिवीजन करते हैं तो पी का वैल्यू हमारे पास कितना है, पी का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 3x, और चूंकि क्यूब है तो स्क्वायर हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा, एंड प्लस 1/x एफ ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो हम क्या करते हैं, चूंकि हम जानते हैं पी का जो वैल्यू होता है वह होता है डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 3x² y³ एंड प्लस 1/x एफ ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम चाहते हैं जेड का वैल्यू कैलकुलेट करना, तो हम चाहेंगे कि इसका इंटीग्रेशन कर दें, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने के बजाय पहले डेल एक्स को इधर भेज देते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नीचे, उम्मीद करता हूँ आ जाएगा स्क्रीन में, एक बारी मैं चेक कर लूँ, उसके बाद अगले पॉइंट को लिखता हूँ। हाँ अभी आ जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेल जेड इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3x² y³, एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डेल एक्स प्लस 1/x एफ ऑफ वाई, और यहाँ पर हो जाएगा डेल एक्स। ठीक है, ओके, समझ गए इस बात को। अब देखो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो फिलहाल यहाँ पर तो स्पेस दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, क्या मिलेगा देखते हैं, ऑन इंटीग्रेशन। ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन, अब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर जेड हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x² y³ है, तो x के रेफरेंस में कर रहे हैं तो हमारे पास मिलेगा 3x³ अपॉन में y हो जाए, अपॉन में 3 हो जाएगा, y³ मिल जाएगा, एंड प्लस हमारे पास यहाँ पर होगा 1/x का log x हो जाता है, तो log x f ऑफ y हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पर हम फिर से इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमारे पास एक और इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट आ जाएगा जिसे हम कहेंगे कैपिटल F ऑफ y। ठीक है, अब चलो अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर बात किया जाए तो 3 से हमारे पास 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, x³ मिल रहा है, y³ मिल रहा है, एंड प्लस हमारे पास मिल रहा है log x, एंड f ऑफ y हमारे पास मिल रहा है, प्लस हमारे पास f ऑफ y मिल रहा है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, और ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन भी है। ठीक है, तो ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन आप सभी के बुक में देखने को भी मिलने वाले हैं, और इसी प्रोसेस से ही सॉल्व होंगे। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाएंगे, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो वेरिएबल सेपरेबल का केस बनाएंगे, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो लैग्रांजेस, हमने जो इक्वेशन पढ़ा है अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत, वहाँ से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया, आइए चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए, आइए चलिए प्रोसेस पर बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर टी लिखा गया है, तो टी का मतलब हो जाएगा हमारे पास डेल टू जेड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गिवन दैट
ठीक है, प्रोसेस स्किप नहीं करना आपको। अगर आप प्रोसेस स्किप करेंगे तो समझ लीजिए कि आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है, तो प्रोसेस स्किप मत करिएगा। यहाँ पर टी का हमारे पास वैल्यू होता है डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि हम अगर जेड का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल का लगभग लगभग केस बनता हुआ नजर में आ रहा है। तो एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर जो हम इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइए बात करते हैं। अगर इंटीग्रेशन किया मैंने तो यहाँ पर मिल जाएगा डेल जेड अपॉन में डेल वाई हो जाएगा एंड इज इक्वल टू साइन एक्स वाई का हमारे पास होता है माइनस कॉस एक्स वाई हो जाएगा। एंड अगर एक्स वाई का हमें इंटीग्रेशन करना रहेगा तो चूंकि दो टर्म्स हैं और एक दूसरे से मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर हमारे पास जब इंटीग्रेशन करना रहेगा तो माइनस वन अपॉन एक्स मिलता हुआ नज़र में आ रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, आप लोगों को इंटीग्रेशन आता होगा इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको देखने को भी मिलेगा, ओके, आई जाएगा प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर इस बार मैं एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूँ, इस बात का भी ध्यान में रखना, यहाँ पर हमने एफ ऑफ वाई रखा है, यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स रख रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, या पीछे का लॉजिक जो है, यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते आए हुए हैं, इसलिए हम जो कॉन्स्टेंट टर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं वो हमारे पास एफ ऑफ वाई रहेगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास आ गया तो वह भी एक्स का फंक्शन हो जाएगा, उसका भी हमें इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। ठीक है, और यहां पर चूंकि हम y के रेफरेंस में या रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आएगा या फिर कांस्टेंट फंक्शन जो आएगा वो हमारे पास f ऑफ x रहेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, ये छोटा सा लॉजिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, तो अब इसे क्या करते हैं, अगले पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। देखो अब यहां पर हमें चूंकि z का वैल्यू चाहिए तो z का वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका हम फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं, या फिर इसे थोड़ा सा ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर लिखना चाहो तो लिख दो, डेल जेड इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स कॉस एक्स वाई एंड यहाँ पर हो जाएगा डेल वाई। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पर हमारे पास है, प्लस हमारे पास है एफ ऑफ एक्स एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो फिर से यहाँ पर अगेन इंटीग्रेशन कर देते हैं क्योंकि हमें जेड का वैल्यू चाहिए, तो अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, जब हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइए बात करते हैं, जब हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर जेड मिल जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, चूंकि हम फिर से वाई के रिस्पेक्ट में इसका हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो कॉस एक्स वाई का इंटीग्रेशन तो हमारे पास होता है साइन एक्स वाई। ठीक है, एंड चूंकि माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो हमने माइनस लगा दिया, और चूंकि एक्स वाई का हम फिर से जब वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो वन अपॉन एक्स ही मिलेगा और वन अपॉन एक्स ऑलरेडी है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट पर, प्लस अब जब यहाँ पर f ऑफ x जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है तो इसलिए जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर y आ जाएगा और f ऑफ x रहेगा, एंड चूंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक और हमारे पास अगेन इंटीग्रेशन है तो एक और कांस्टेंट आ जाएगा तो उसे हम कैपिटल f ऑफ y लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बना। तो आप लोगों के समझ में आ गई होगी बातें कि चूंकि हमारे पास कोई भी सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा तो उसे दो केसेस या फिर मतलब कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला हमने देखा कि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व किया जा सकता है, दूसरा हमने देखा कि वेरिएबल सेपरेबल का केस भी बनाया जा सकता है। चलो इसके बेस पर और एक दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर रहे। आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये चलिए कुछ और न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दो न्यूमेरिकल्स को और मैं लिख कर लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बातें बोली गई हैं, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है लेकिन बस ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व नहीं किए रहते हैं तो आप कर नहीं पाते एग्जाम में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि फाइंड ए सरफेस सेटिस्फाइंग टी इज इक्वल टू 6x³ × y कंटेनिंग द टू लाइंस, या जो हमारे पास सरफेस है वह दो लाइंस को कंटेन कर रहा है, y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू जेड एंड y इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए चलिए बात करते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, t इज इक्वल टू 6x³y हमारे पास दिया गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो कि t होता है वह हमारे पास होता है, चूंकि यहाँ पर हम x और y के रेफरेंस में ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम z को तो अभी इंट्रोड्यूस कर नहीं सकते, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा डेल q अपॉन में हो जाएगा डेल y स्क्वायर। ठीक है, या फिर डेल y हो जाएगा, तो डेल y इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6x³y हो जाएगा। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डेल वाई को उधर भेज देते हैं, या फिर मैं कहूँ यहाँ पर इंटीग्रेशन हम करना चाहते हैं, तो डेल क्यू इज इक्वल टू 6x³y एंड डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑन इंटीग्रेशन। ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन, अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास मिलेगा, चूंकि डेल क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 6x³, वैसे ही रहेगा, वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो y² / 2 हो जाएगा, एंड प्लस हमारे पास क्या आएगा, एक फंक्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है, चूंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स आ रहा है। ठीक है, अब ये जो टू है वह सिक्स को कैंसिल आउट करेगा, बचेगा कितना, थ्री बचेगा, तो क्यू इज इक्वल टू हमारे पास 3x³y² एंड प्लस एफ ऑफ एक्स हमारे पास मिल रहा है। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, चूंकि यहाँ से हम जेड का वैल्यू पहले पता करना चाहते हैं, ठीक है, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जेड का वैल्यू अगर हमें पता करना है तो क्यू का वैल्यू क्या होता है, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स होता है, डेल वाई होता है, तो डेल जेड अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 3x³ एंड y² रहेगा ही रहेगा, एंड प्लस एफ ऑफ एक्स भी हमारे पास रहेगा। अब डेल वाई को उधर में भेजूंगा तो डेल जेड इज इक्वल टू 3x³ y² एंड यहाँ पर डेल वाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ऑन इंटीग्रेशन, या फिर मैं कहूँ अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, अगेन इंटीग्रेशन, तो जब हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं एक बारी, यहाँ पर हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर जेड हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, 3x³ हो जाएगा, एंड चूंकि y² का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है y³ अपॉन में क्या होता है, 3 होता है, एंड प्लस एफ ऑफ एक्स हमारे पास कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई हो जाएगा इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एंड प्लस हमारे पास एक और हमारे पास कॉन्स्टेंट आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स का फंक्शन आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास जो 3 है वह इस 3 को कैंसिल आउट करेगा, जेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, x³ y³ एंड प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स एंड प्लस हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये हम क्या करते हैं, इसे एक इक्वेशन बना लेते हैं वन। ठीक है, अब हम कैसे क्या करेंगे, देखो हम चूंकि y इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0 हम जानते हैं कि यह जो हमारे पास लाइन है ये दोनों ही लाइन इस सरफेस पर हैं, और जब यह इस सरफेस पर है यानी कि इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई भी करेंगे, तो जब सेटिस्फाई करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, y इज इक्वल टू हमारे पास है y इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो ये जो वैल्यू होगा वह इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इसमें रख देते हैं। तो जब हम इन वैल्यूज को रखेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, पहले इक्वेशन से हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू, जैसे ही 0 रखूंगा यहाँ पर 0 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वाई इज इक्वल टू 0 रखने की वजह से ये भी 0 हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ पर भी y है तो ये भी 0 बना देगा, एंड प्लस x तो है नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास f ऑफ x रहेगा। ठीक है, यानी कि ओवरऑल वैल्यू अगर देखा जाए तो f ऑफ x जो है वो हमारे पास 0 के बराबर मिल रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्क्रीन में आ रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, चूंकि हमने ये पहले केस को डिस्कस किया, अब हम क्या करते हैं दूसरे केस को भी डिस्कस कर लेते हैं, तो नाउ, ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1 को हम क्या करते हैं इसमें फिर से रखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो अगर इसमें हम रखते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट हम जब उपयोग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जेड इज इक्वल टू 1 रखना है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 हो गया, इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 हमें रखना है, तो यानी कि यहाँ पर x³ हो जाएगा, तो x³ हो गया, वाई इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी हमने निकाला है कि हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वह 0 के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैं 0 के बराबर रखूंगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू x³ प्लस एफ ऑफ एक्स एंड प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस x³ हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 माइनस x³ हमने निकाल लिया और कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हमने निकाल लिया, तो इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहां पर मैं रख देता हूं इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, हम तीनों इक्वेशन का उपयोग करने वाले हैं, तो जब हम तीनों इक्वेशन का उपयोग करेंगे तो यहां पर हमारे पास जेड इज इक्वल टू क्या होगा, x³ y³ एंड प्लस हमारे पास क्या होगा, y, एंड f ऑफ x का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 माइनस x³ है, एंड कैपिटल f ऑफ x का वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक
ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है कि फाइंड ए सरफेस, हमने एक सरफेस को पता कर लिया जो कि टी इज इक्वल टू 6x³y को कंटेन कर रहा है, और यह जो हमारे पास है वह हमारे पास इन दोनों लाइंस को क्या कर रहा है, कंटेन भी कर रहा है, और उसके लिए हमने प्रूफ को भी कर दिया, प्रूफ को भी कर दिया, और यह हमारे पास फाइनल आंसर भी है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है, तो इसे आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा। और एक बात का ख्याल रखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ना तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं, और ना तो इसे हम वेरिएबल सेपरेबल का केस ही लगा सकते हैं, इसमें हम लगाएंगे लैग्रांजेज इक्वेशन का केस। ठीक है, तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, बहुत ही आसान सा मेथड है। पहले आपको पहले यस का वैल्यू रखना है पी और क्यू के रिस्पेक्ट में, फिर उसके बाद हमें उसका एक बार इंटीग्रेशन करना रहेगा, फिर उसके बाद आप लोग फंस जाएंगे, तो वहां पर आपको लैग्रांजेज इक्वेशन अप्लाई करना रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहां पर हम इनके सोल्यूशंस को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं, उम्मीद करता हूं आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बारे में बात करना शुरू करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है एंड नॉन लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। उसमें हम बात करेंगे कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।